हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियसली वी हैव लर्न्ड अबाउट द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड्स, फॉर एग्जांपल्स ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. नाउ फिफ्थ इज स्टिमुलस. स्टिमुलस इज द इम्पॉर्टेंट टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स. मतलब हुआ जो स्टिमुलस एक खास प्रकार का फीचर है, ये बहुत ही जटिल है और यह एक लिविंग बींग को सेंस देता है अपने सराउंडिंग या एनवायरनमेंट में होने वाले किसी भी परिवर्तन के प्रति और रिस्पोंड करने के लिए जो स्टिमुलाई होता है उस एनवायरनमेंट में उसके विरुद्ध रिस्पोंड करने का क्षमता देता है. ये जो रिस्पोंड है, ये रिस्पोंड फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है और बायोलॉजिकल भी हो सकता है. प्लांट रिस्पोंड करता है एक्सटर्नल फैक्टर से, जैसे लाइट से, वाटर से, टेम्परेचर से, पॉल्यूटेंट से, इत्यादि से वह रिस्पोंड करता है. फोटो पीरियड मीन्स हुआ ड्यूरेशन ऑफ लाइट फॉर अवेलेबल फॉर द लिविंग बींग्स. ये फोटो पीरियड या भी रिप्रोडक्शन को सीजनल ब्रीडर्स जो हैं उन्हें इफेक्ट करता है. ये जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जैसे मोस्टली जो जारे वाले फूल हैं वह जारे में ही खिलते हैं, वह सही ढंग से गर्मी में नहीं खिलते हैं, और गर्मी वाले जो प्लांट हैं वह गर्मी में ही खिलते हैं, वह जारे में नहीं खिलते हैं. हाँ, तो इस तरह से ये प्लांट्स और ह्यूमन दोनों के लिए इस तरह की बात होती है. ह्यूमन बीइंग एक जटिल प्रक्रिया इसमें होता है, इसमें सेल्फ कॉन्शसनेस होता है. लेकिन अगर जो ब्रेन डेड पेशेंट हैं, जो ब्रेन डेड ह्यूमन बींग्स हैं, उनमें सेल्फ कॉन्शसनेस नहीं रहता है. उन्हें बहुत सारे मशीन के द्वारा फेफड़ा, हार्ट इत्यादि को चालू रखने के लिए सपोर्ट रहता है, और लेकिन उसमें कोई सेंस नहीं रहता है. हाँ, अब अगर और वह ऐसा जो ब्रेन डेड पेशेंट हैं वह कभी भी नॉर्मल लाइफ में नहीं आ सकते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हम ऐसे जो जीव हैं, ब्रेन डेड जो पेशेंट हैं, उन्हें क्या कहेंगे, लिविंग कहेंगे कि नॉन लिविंग कहेंगे, क्योंकि वो लिविंग भी हैं और नॉन लिविंग इसलिए है कि वह कुछ आगे कर नहीं सकते. इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं वह अंडरलाइन इंटरेक्शन, वह एक दूसरे से जो इंटरेक्शन है वह इंटरेक्शन करते हैं. हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वह सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, अपने से मैंने रिप्रोडक्शन करने वाले हैं, इवॉल्विंग होते हैं, वह उसमें कुछ चेंजेस होते हैं और इवॉल्व करते रहते हैं, नए प्रकार के जीव आते रहते हैं. सेल्फ रेगुलेटरी होते हैं, अर्थात वह एक दूसरे को रेगुलेट करते रहते हैं, अपने जो अंदर जो रिएक्ट बहुत सारे है, जैसे अगर चिंता होता है तो खाना नहीं पचता है, यदि फ्री रहता है, मेंटली फ्री रहता है तो पेट साफ रहता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता है और हेल्दी रहता है. ये सारे जो है इंटरेक्टिव सिस्टम से है, वह जो अपने वातावरण के प्रति रिस्पोंड करने के लिए योग्य बनाता है. इस तरह से हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी जो है वह पृथ्वी पर लाइफ का एक कहानी है, अर्थात अर्थ पर जो लिविंग बींग्स हैं उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, इसी के बारे में जो है बायोलॉजी बतलाता है.